एबीपीएस न्यूज सच का साथी। योगी सरकार भले ही भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसने की बात कर रही है, लेकिन प्रदेश में रिश्वतखोरी आम बात हो गई है। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला यूपी के बलरामपुर जिले से सामने आया है, जहाँ रिश्वत के लिए दलित परिवार को दरोगा और सिपाहियों ने अपनी वर्दी की हनक दिखाकर गरीब के सर से छत और पैरों के तले से जमीन खींच ली। आपको बता दें कि बिना मुकदमा लिखे ही कार्यवाही कर दी गई और घर पिछवा कर रिश्वत लेने के बाद प्रक्रिया पूरी करने में लगे हुए इस पुलिस महकमे ने उस गरीब के पेट पर लात मार दी है। सिपाही और दरोगा के मार से लड़के के मामा ने चौकी पर ही लैटरीन तक कर दी। पीड़ित को पैसे देने के नाम पर रुपए लेकर डकार गए दरोगा और सिपाही। जी हाँ, दरोगा और सिपाही ने पैसे लेकर खुद ही डकार लिए, जबकि पीड़ित व्यक्ति को उस रकम को नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हो तो कहने की बात ही नहीं है कि बिरादरी का नशा वर्दीधारी पर ना चढ़े। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली सरकारों पर जातिवाद को संरक्षण देने का आरोप लगाया और चुनावी मुद्दा भी बना लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर चौकी में तैनात दरोगा का नाम संतोष सिंह और सिपाही का रामानंद मौर्य हो तो क्या कहने, इसका अंदाजा आप स्वयं ही लगा सकते हैं। सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, यहाँ ये कहावत बिल्कुल ही सटीक दिखाई दे रही है। इसे बिरादरी का शह समझा जाए या अधिकारियों कर्मचारियों की सरकार को बदनाम करने की साजिश, शायद पता नहीं, मगर सच्चाई जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चौकी हुसैनाबाद में तैनात दरोगा संतोष सिंह व उनके चहेते सिपाही रामानंद मौर्य की हुसैनाबाद क्षेत्र में खूब धाक है। इनके चर्चे तो कई बड़े कारनामों में सुने जा रहे हैं, लेकिन जो लोग इन चौकी हुसैनाबाद में एक नया कारनामा जो सामने आया है उससे इंसानियत को भी शर्मा जाए। भ्रष्टाचार की सारी हदें पार करके इन लोगों ने जो किया है उससे क्षेत्र की जनता पुलिस महकमे पर थू थू कर रही है। वहीं इस घटना को लेकर सरकार और पुलिस विभाग भी शर्मसार हो रहे हैं। मामला थाना रेहरा के चौकी क्षेत्र हुसैनाबाद का है। ग्राम मुमताज डी इटई रामपुर का है। लवकुश पुत्र मंगरे निवासी मुमताज डी इटरी रामपुर एक लड़की के साथ कहीं चला गया था। प्रार्थना पत्र पर चौकी इंचार्ज हुसैनाबाद संतोष कुमार सिंह को दी जाती है कार्यवाही के नाम पर पीड़ित से 8,000 रुपए ले लिए जाते हैं। चौकी इंचार्ज बिना मुकदमा लिखे लड़की और लड़के को जिला बस्ती से बरामद किए और चौकी में लाकर उस लड़के और उसके मामा को बड़ी ही बेरहमी के साथ में पीटा, जिससे मामा की लैटरीन तक निकल गई। कपड़ों में उस गरीब के जो हाल था उसे देखने वाले भी देखकर दंग रह गए। बेरहमी के साथ मारने के बाद मामला रफा दफा कराने के नाम पर 1,00,000 रुपए की मांग की गई और पैसा ना मिलने की सूरत में मुकदमा लिखकर जेल भेजने की धमकी तक दी गई। उस गरीब परिवार जिसकी जीविका मजदूरी से चलती हो और उसके लिए इस गुनाह का हर्जाना भरने के लिए 1,00,000 रुपए तो नहीं थे, लेकिन पुलिस की मार, लड़के के किए गए अपराध और चौकी इंचार्ज की धमकी ने परिवार को 1,00,000 रुपए के लिए मजबूर कर दिया, जिसके वजह से लवकुश के पिता व माता अपने घर को ही बेचकर इस रकम को इकट्ठा करने में लग गए। घर बेचने के बाद बड़ी मुश्किल से 80,000 रुपए ही मिले, जिसको चौकी इंचार्ज ने अपने पास रख लिया और बराबर 25,000 और देने का दबाव बनाया जा रहा है। वहीं पीड़ित लड़की के परिवार का कहना है कि बिना मुकदमा लिखे बिना कार्यवाही के ही चौकी इंचार्ज व उसके चौकी के दलालों ने लड़के का घर बिकवा कर 80,000 रुपए चौकी इंचार्ज ने ले लिया और बिना किसी कार्यवाही के मामले को रफा दफा कर दिया। वहीं सूत्र बताते हैं कि चौकी हुसैनाबाद में यदि कोई शिकायत आती है तो चौकी इंचार्ज का चहेता सिपाही रामानंद मौर्य भाव बढ़ाने के लिए पहले अपने कमरे में बंद करके पिटाई करता है, जिससे मार पड़ने के बाद लोग उनके मार से बचने के लिए पैसों की डिमांड को पूरा करते हैं। फिर होता है सेटिंग का कारनामा। इस काले कारनामे में सूत्र बताते हैं कि वहीं कुछ प्रधान जो स्वयं को
थाने का दलाल बताते हैं और दलाली खाकर बैठ जाते हैं, जिनका यही पेशा है और यही उनका काम है, मामले को उलझाना और उसके बाद मामला सुलझा देना। वहीं इस पूरे मामले पर जब पुलिस अधीक्षक बलरामपुर राजेश कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस प्रकरण में कोई तहरीर हमें नहीं मिली है, मामला संज्ञान में आया है, जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या वाकई में बलरामपुर पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होगी, जिन्होंने एक गरीब का घर बिकवा कर 80,000 रुपए ले लिए और अभी 25,000 की मांग दोबारा कर रहे हैं। अब वह लड़किया वाला भी खिवाई सब के का हुआ और कुछ नहीं हुआ, और न कोई दुश्मनी रहा न कोई बैर रहा न कुछ रहा। मतलब घर आपने घर बेच के पैसा दिया है? हाँ। कितना पैसा दिया? अरे 80,000 लिए। और अभी कितना मांग रहे हैं? 25,000 और मांग रहे हैं अभी। हाँ। और यहाँ आपने घर जो है बेच के दिया है, आप कहाँ जाएंगी रहने? यहाँ भैया मर्जी हुई कहाँ जाइए, अब कहा चाहे रोटे पर रहिए, भीख मांगे तो बनवाई कहूँ या केहू के ठाई मांगब कि भैया गुत्ता जगह दे दियो तो बनवाई लिया, छपरवे दे लिया तो रह भैया का के। अब हमारे लड़के मारे हैं तब का बोला था, हमारे लड़का लड़के मारे भाग गए क्या ने कहा, वो खात ना ही रहा खाई का वो पानिया बेसमार ओकर चोट लगा है। ये कहाँ कहाँ मामला सुलह करवाए थे? चौकी में? हाँ। हुसैनाबाद? हाँ। हाँ? हुसैनाबाद चौकी में उनके अधिकारियों के सामने हुआ है ना? हाँ। चौकी इंचार्ज के सामने ये सब बात हुई है। हाँ। पैसे वाला खेल ला पैसा कात रहे कि मिली तो वह बेकार साहब लोग से पूछे खाए। तो मतलब इसका मतलब है चौकी वाले ले गए पैसा सारा? हाँ, तब अब लिहिन ना तो कैसे छोड़ी, छोड़े ही वाला तब कहना उन्हें छोड़े ना आई है। सीओ के यहाँ जब आप उसमें गए थे। हाँ। थाना दिवस में। हाँ। सीओ साहब और सब लोग बैठे हुए थे। हाँ। तब सीओ साहब तक आपको पहुँचने नहीं दिया गया था? हम? हाँ। ना हम गया ना, अब यही बीच में ना गया ना, सबे समाध कराई दी ने। हाँ। यही के नाते हम फिर ना दोबारा गए, कहीं रहा दियो तही तनी बारे में मारा गरियावा करा गब कि हम यह जिदा रहा कि काहे छोड़ दी हो। जब इतना तना जाते बेच के उठेना करो तो काहे छोड़े हो, उनका 6 महीना का सजा बोले रहे कि उन्हें दिए खाए, ज्यादा ना आए तो 6 महीने सजा बोले रहे, काहे तू छोड़ दी हो, गैर पैसा पाए तू वैसे छोड़ दियो है। सुलानामा हो गया? तो कहाँ सुलानामा हुआ? हुसैनाबाद। हुसैनाबाद चौकी में कि कहीं और? नहीं नहीं चौकी। चौकी में? तो कितना पैसा आप लोगों को मिला? पापा हमें तो कुछ नहीं भी मिला है। कुछ नहीं मिला? 80,000 रुपया उन लोगों ने दिया है। तो 80,000 रुपया दिया है कि आप लोगों के नाम पे कि 1,00,000 रुपये में सुलह हुआ है और अभी आप 25,000 मांग रहे हैं, तो 80,000 आपको मिला? नहीं। फिर वो कहाँ चले गए? आपको नहीं मिला तो किसको दिए वो लोग? अब थाने पर पता लगाओ। हाँ, थाने पता लगाओ नया और कहूँ से पर प्रधान है जैसे उनसे पता लगाओ, हमें वो नहीं मिला है। तो ये 80,000 रुपये आप लोगों को नहीं मिला? हाँ। ये कब सुलह हुआ है? आया भी आज 5-6 रोज भवा। तो कल थाना दिवस के दिन शायद आप जा भी रही थी वहाँ पे सीओ के यहाँ आपने एप्लीकेशन देने। हाँ। सीओ के यहाँ आप एप्लीकेशन देने वो थाना दिवस पे आप देने गई थी, क्या हुआ था वहाँ पे? अब कुछ नहीं भाई, अब लोग ऐसे चौकिया से रहे तो ये लोग हड़बड़ाए गए अपन यहाँ से, हमें बलाइन कहन कि कैसे हुआ से ले गए, तो हम कहन कि जब वो हम ना ही अभी कुछ वका कहन कि छूटे काहे तू छोड़ दी हो, रुपया भर दी हो 1,25,000 सुने ना कि भर दी नहीं बस छोड़ दी, काहे छोड़ दी हो? तो 1,25,000 किसको दिए? अब साहब लोग का दिन हो, ये लोग दिन बेचिन ही खेतवा। हाँ। अब इनसे पता लगाओ कि क्या का दिन। हाँ। ABPS News सच का साथी।